हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस के, तो वन बाय वन हम सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे थे। तो फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। कौन सा सिस्टम था एसिड बेस बैलेंस का फर्स्ट सिस्टम? बफर सिस्टम, ठीक है। बफर सिस्टम देखते हैं कैसे वर्क करता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सिस्टम आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह वर्क करता है, यानी कि बॉडी में कभी भी एसिड बेस इंबैलेंस होता है तो पहला सिस्टम जो एक्टिवेट होने वाला है वो क्या है? आपका बफर सिस्टम। क्लियर है? ठीक है। तो अब बफर सिस्टम में हमें पता होना चाहिए बफर का काम क्या होता है। बेटा पहले से ही आपको पता है बफर बेसिकली आपका वो, आप बोल सकते हो वो सॉल्यूशन है जो क्या करता है, पीएच को बैलेंस करने का काम करता है ना। कभी भी अगर आपके फ्लूड में पीएच चेंज होने की कोशिश कर रहा है तो बफर उसे क्या करेगा, पीएच को चेंज होने से रोकेगा, यही करता है बफर, है ना। तो हमारे जो बॉडी फ्लूड है, हमारे ब्लड में स्पेशली आपके डिफरेंट टाइप के बफर सिस्टम अवेलेबल होते हैं, कोई एक बफर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेजरली तीन बफर हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बफर सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बफर सिस्टम कौन सा है आपका? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बीएस बफर सिस्टम, ओके। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या है आपका बेसिकली? तो आपको ध्यान में रखना है आपके बॉडी फ्लूड में, आपके ब्लड में अगर कोई बफर सिस्टम सबसे ज्यादा आपका एक्टिव रहता है या सबसे ज्यादा आपका पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है तो वो कौन सा है? आपका बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। देखें ये कैसे वर्क करता है। देखो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम ऐसे काम करेगा कि जो बाइकार्बोनिक एसिड है आपका, क्या होता है कार्बोनिक एसिड, क्या होता है आपका H2CO3, ठीक है। H2CO3 की एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, CA कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है इनटू HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इतना क्लियर है? H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो हमारे, आप बोल सकते हो हमारी एंडोथेलियल वॉल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी मल्टीपल लोकेशन है आपके बॉडी में, प्रेजेंट होता है ये एंजाइम। तो क्या करता है ये एंजाइम बेसिकली, H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है उसको HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में तोड़ देता है। क्लियर है? इतना तो समझ में आता है, ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, देखो ये जो फ्री एच पॉजिटिव जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा? ऑब्वियसली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है। पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो pH है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन जो ये खुला है, मतलब इससे रिलीज हुआ है फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड, ये क्या करेगा आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा, ऑब्वियसली, है ना। एसिडिटी को क्या किया इसने, इंक्रीज किया। क्लियर है? अब आप ये देखिए कि कभी भी देखो बफर का काम किया है कि पीएच अगर कम है तो उसे आपका क्या करना, बढ़ाना, नॉर्मल तक लेके आना, और अगर ज्यादा है तो उसे कम करना, ठीक है। अगर सपोज आपकी बॉडी में कभी क्या हुआ, आपका बेसिसिटी बढ़ गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि एल्कलोसिस हो गई, ठीक है। एल्कलोसिस मतलब आपका जो ब्लड का पीएच है कितना होता है, 7.4 होता है, मान लो कि वो 8.4 या 9.4 के अप्रॉक्स चला गया, उससे ज्यादा कितनी भी वैल्यू आप ले लो, उस टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या चाहोगे उस टाइम पे, कि बेसिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप एसिडिटी को इंक्रीज करना चाहोगे ना। तो उस केस में क्या होगा, फटाफट से ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा, किस में टूटेगा आपका, बाइकार्ब आयन में और एच पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये जो फ्री एच पॉजिटिव है ये जितना बढ़ते जाएगा, फ्री होता जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पीएच जो है वो नीचे की ओर आएगा, एसिडिक की तरफ आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो अगर सपोज कहां पहुंचा था, पीएच 8.4 हुआ था, ठीक है, तो ये एच पॉजिटिव आयन जो फ्री होते जा रहे हैं ये इसे कहां की ओर लेके जाएंगे, 7.4 की तरफ लेके आएंगे, इस चीज को समझे ना, ठीक है। अब वहीं दूसरी ओर कभी ऐसा हो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, ठीक है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं एसिडोसिस हो गया, ठीक है, उस केस में क्या हुआ, सपोज आपका जो पीएच है आपका ब्लड का वो कितना हो गया, 6.4 हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए बताइए, आप क्या चाहोगे कि जो एच पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन कम हो ना, अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, उसकी वजह से पीएच बढ़ने लगेगा, पीएच 6.4 से कहां पहुंच जाएगा, अगेन 7.4 पहुंच जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये मैंने रिवर्सिबल का साइन इसीलिए बनाया है
कि जब जरूरत चाहिए, जब जरूरत पड़ती है कि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, यानी कि जब एल्कोलोसिस हुई है तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, जो कार्बोनिक एसिड है वो टूट के बाइकार्ब और एच पॉजिटिव देगा। और जब ऐसा है कि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जब एसिडोसिस पहले से हुई हुई है, 6.4 तक पीएच चला गया है, तो उस केस में रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। जितना भी एच पॉजिटिव फ्री है, बाइकार्ब जो होंगे इसको अपने साथ कंबाइन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगेन कन्वर्जन हो जाएगा इंटू कार्बोनिक एसिड। तो समझ में आ रहा है, जब जरूरत थी एसिडोसिस में आपको जरूरत थी कि एल्कलाइन पीएच हो, तब आपकी जो रिएक्शन थी वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चली, और जब जरूरत थी कि एल्कोलोसिस हुई है और हमें एसिडोसिस एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली। तो ये हमारा बफर, बहुत इंपॉर्टेंट बफर है जो पीएच बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। आई होप आई मेड माई पॉइंट ना, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम जो बफर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा बफर सिस्टम है, वो हमारा है आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम। ना फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या है, इसे हम अल्टरनेट इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सिस्टम, ठीक है, इसका पूरा नाम है तो मैं इन दोनों को लिख देती हूं। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, देखो, डाइसोडियम Na2 हाइड्रोजन फॉस्फेट, और दूसरा क्या है आपका सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये है पूरे सिस्टम का नाम, ठीक है। तो अब इस सिस्टम में कैसे आपका, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, तो इसका भी बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो होता क्या है, देखो, हमेशा ये दोनों फॉर्म के बीच में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। सपोज अभी हम वही वाली सिचुएशन यहाँ पे रख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या हुआ है, एसिडोसिस हुई है, ठीक है, एसिडोसिस हुई है, तो इन केस ऑफ एसिडोसिस आपको पता है क्या हुआ होगा, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कम करना है, तो देखो कैसे कम होती है इस केस में। जो आपका ये Na2 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है ना, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, एच पॉजिटिव जो भी एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव है ना, उनको क्या करता है, अपने साथ बाइंड करवा लेता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में। इसीलिए सिस्टम का नाम ही ये था, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सिस्टम। क्यों, क्योंकि जब भी आपका क्या हुआ, देखो H पॉजिटिव जब ज्यादा था तो आपका किसने काम किया, Na2HPO4 ने काम किया, फटाफट से H पॉजिटिव को साथ अपने को बाइंड कर लिया। देखो एक H था ना यहाँ पे, ये H आके इससे बाइंड हो गया, ठीक है, और क्या बना दिया इसने, NaH2PO4 बना दिया। ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो, केमिस्ट्री में इतना आपको पता है, Na2 है तो आप स्क्वायर कर देंगे वो सारे, अब बाहर आगे से 2 लगा देंगे और सारी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बट अभी जो फिलहाल आपको समझने वाली बात है वो केवल इतनी है कि अगर आप इसको पूरा नहीं भी लिखना चाहते हो ना, आप केवल इतने पोर्शन से भी दिखा सकते हो, HPO4 और H2PO4। आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, HPO4 था, ठीक है, जब भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो फटाफट HPO4 गया और H पॉजिटिव को अपने साथ बाइंड करा और H2PO4 बना दिया। अब उसी के अपोजिट अब दूसरी सिचुएशन ले लो कि जब भी आपका क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, इन केस ऑफ एल्कोलोसिस क्या होगा, एल्कोलोसिस की सिचुएशन जब भी होगी, ठीक है, एल्कोलोसिस हमें पता है एल्कोलोसिस में क्या होता है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उस केस में क्या होगी, रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी, फटाफट से जो ये H2PO4 है ये क्या करने वाला है, ये टूट जाएगा इनटू HPO4 एंड H पॉजिटिव,
ठीक है, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज भी आएंगे, मैंने चार्जेस नहीं दिखाए हुए हैं, आप दिखा सकते हो टू नेगेटिव चार्ज, तो यही होने वाला है, रिवर्स में रिएक्शन चल जाएगी, H2PO4 ब्रेक हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड HPO4 टू नेगेटिव। तो क्या हुआ, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो कम थी वो H पॉजिटिव फ्री हो गया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन खुद ब खुद बढ़ गई। तो ये क्या था आपका, सेकेंड बफर सिस्टम था, जो कि क्या है, फॉस्फेट बफर सिस्टम, जिसमें आपको इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को याद करना है। इनकेस अगर आप इसके पूरे नाम याद नहीं भी आपको रखते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आपकी एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, HPO4 एंड H2PO4 के बीच में, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट थी तो रिएक्शन, जब आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली, और जब H पॉजिटिव कम था तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गई, इसीलिए इसमें रिवर्सिबल का साइन मैंने लगाया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड बफर सिस्टम है। हालांकि जो बाइकार्बोनेट है वही आपका सबसे मेजर रोल प्ले करता है, बट फॉस्फेट भी आपका क्या है, आपका बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो ये सेकेंड आपका टाइप का बफर सिस्टम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी थर्ड बफर सिस्टम, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसी में एक हम, अगर आपको, आपने अगर लेक्चर देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वहां पे मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, वो भी इसी सिस्टम के अंदर आता है। तो थर्ड टाइप का जो हमारा बफर सिस्टम है वो क्या है, शायद आप बता सकते हैं, प्रोटीन बफर सिस्टम। नाउ प्रोटीन बफर सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। अब प्रोटीन किस तरीके से आपका क्या कर रही है, पीएच को बैलेंस कर रही है। तो अगर मैं एक कॉमन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होता है बताइए, प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, अमीनो एसिड से। सो अमीनो एसिड का एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, सबको पता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एच होता है, एक होता है, एक जगह पे आपका COH होता है, एक जगह पे आपका NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ R होता है, R की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोटीन और टाइप ऑफ अमीनो एसिड में, यही होता है ना, अदरवाइज ये दोनों ग्रुप तो होते ही होते हैं। कौन कौन से, एक आपका अमाइन ग्रुप और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पता है सबको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो आपके दोनों ग्रुप है ना, ये भी क्या करते हैं, आपको पीएच बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम हो रही है, आपके ब्लड में एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि एल्कलोसिस है ना, यही होगा। तो एल्कलोसिस के केस में फटाफट से ये जो प्रोटीन है आपका, जो अमीनो एसिड है, इसका जो ये COH ग्रुप है ना, ये फटाफट से ब्रेक हो जाता है इनटू CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, तो ये H पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा, पीएच आपका खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा ना, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो यानी कि एसिडिक हो गया पीएच, जरूरत यही थी ना, एच पॉजिटिव कम था तो COH ने क्या किया, एच पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब COH ने बफर किया या नहीं किया, है ना। सेकेंड, अगर दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि कभी मान लीजिए एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, यानी कि एसिडोसिस हुआ है, यानी कि एसिडिक एनवायरमेंट ज्यादा है, तो जब एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कैसे ये सिस्टम काम करेगा, फटाफट से ये जो NH2 आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव को अपने साथ कंबाइन कर देगा और फाइनली क्या बना देगा, NH3, ठीक है, NH3 पॉजिटिव। तो ये जो बना, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने क्या किया, NH2 ने H पॉजिटिव एक्स्ट्रा जितने भी H पॉजिटिव थे उन्हें कंज्यूम कर लिया ना, और क्या बना दिया, अमोनियम आयन बना दिया। तो इस टाइप का जो कन्वर्जन, यहाँ पे अब फाइनली रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, जो बढ़ा हुआ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो देखा आपने प्रोटीन ने कैसे किया, ठीक है, जब हमें लग रहा था कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, कम है, ठीक है, जब एल्कलोसिस हुई है, यानी कि एल्कलाइन एनवायरमेंट है, तो फटाफट से COH ने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, ठीक है, ताकि जो आपका पीएच है वो एसिडिक की तरफ जाए। और जब ऐसा लगा कि एच पॉजिटिव ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमें क्या चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि पीएच थोड़ा सा क्या हो, एल्कलाइन की तरफ जाए, तो फटाफट NH2 ने क्या किया, जितने भी एच पॉजिटिव उसे देख रहे थे उसे क्या कर लिया, रिसीव किया, अपने से बाइंड किया और अमोनिया आयन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोटीन ने, प्रोटीन और प्रोटीन में मेन अमीनो एसिड ने क्या किया, पीएच को बैलेंस करने का काम किया, समझ में आ गया। अब अगर मैंने आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, मैंने उसमें आपसे क्या बोला था,
क्या बोला था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन ही भी क्या करता है, हमारा एक बफर सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसीलिए मैं उसे प्रोटीन के एग्जांपल में पढ़ रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी हमारी क्वाटरनरी प्रोटीन ही है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन है बेसिकली। तो जो हीमोग्लोबिन है वो भी सेम यही करती है। हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था, सपोज ये हमारा हीमोग्लोबिन की आपकी क्या थी, चेन थी। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, मैंने पहले भी आपसे बोला था। तो इन अमीनो एसिड में से आपका सपोज किसी एक का ही एग्जाम्पल मैंने वहां पे भी आपको दिया था। सपोज ये हिस्टिडीन का आपका अमीनो एसिड है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो अमीनो एसिड भी पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। कुछ आपके न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है आपका, अदरवाइज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं अमीनो एसिड, पढ़ा है ना। तो क्या होता है, देखो सिंपल सा था, जिस टाइम पे आपकी क्या होती रिएक्शन होती, बाइकार्ब वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो, तो क्या मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये सपोज ये हमारा क्या है, टिश्यूज है, ठीक है। मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बताया था कि टिश्यूज के अंदर क्या होता है, आपका लगातार आपकी प्रोसेसेस होती हैं। तो प्रोसेस के दौरान क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही बोला था मैंने। तो टिश्यूज क्या करेंगे, वर्क कर रहे हैं तो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ जाना है बताओ, ब्लड में आ गया। ये टिश्यूज से कहाँ आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, आपके ब्लड में आ गई, ब्लड सिस्टम में आ चुकी है। ये मैं इस तरीके से बना देती हूँ, सपोज ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है। अब मैंने आपको बोला था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना, एज इट इज ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास नहीं जा सकती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो होता क्या है, जो 80 to 90% जो आपका 90% मेजर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में आपकी जाती है, कार्बोनेट बाइकार्ब्स के फॉर्म में आपकी जाती है, SCO3 नेगेटिव के फॉर्म में जाती है। बताया था ना कैसे होता है। ये जो CO2 है, सपोज ये हमारी क्या है, वैसे हमने ये पहले करा हुआ है डिस्कस, बस जिसने नहीं देखा है आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। तो क्या हुआ, देखो ये ब्लड के अंदर CO2 आपका टिश्यूज ने डाल दी थी। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑब्वियसली RBC है, ये हमारी RBC है। तो CO2 आसानी से RBCs के अंदर चली जाएगी। RBC के अंदर ये क्या करती है, H2O के साथ कंबाइन हो जाती है, और ये कंबाइन होने के बाद क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है। यही पढ़ा था, H2CO3 अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कैसे होता है इसका, H2CO3 किसमें टूटता है, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में SCO3 नेगेटिव बनाएगा प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। अब ये SCO3 नेगेटिव इस RBC से बाहर निकल जाएगा, यानी कि ब्लड में आ जाएगा, RBC से बाहर निकल गया। सपोज ये RBC है, ये मैंने बड़ी बनाई थी, मैं यहां बना रही हूं इसे, ये वो RBC है, ठीक है। तो RBC से अंदर से क्या निकल गया, आपका SCO3 नेगेटिव निकल गया, ब्लड में है। अब ये पूरा ट्रेवल करते हुए लंग्स के पास जाएगा, पड़ा था। जैसे ही लंग्स के पास कैपिलरी बेड पे पहुंचेगा, रिवर्स में रिएक्शन हो जाएगी, जो आपका CO2 से जो SCO3 नेगेटिव बना था, लंग्स के पास जाते ही ये SCO3 नेगेटिव वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और CO2 आपके लंग्स से बाहर निकल जाएगी। यही पढ़ा था ना, डिटेल में हमने किया है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव फ्री हुआ था, जब H2CO3 आपका SCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो जो ये H पॉजिटिव फ्री हुआ था, इसका क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसमें जो आपका निगेटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड है, ये क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव को अपने पास रख लेते हैं। यही बोला था मैंने, है ना। तो H पॉजिटिव किसके पास चला जाता है, हीमोग्लोबिन इसे ले लेता है, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, बताया था, ठीक है, बोहर्स इफेक्ट ऑन H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और जब आपकी जरूरत पड़ेगी वापस जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना पड़ेगा, जब लंग सरफेस में जाएगा, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये H पॉजिटिव को छोड़ देंगे, और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बताया था, हेल्डन्स इफेक्ट, पढ़ा था ना दोनों चीजें। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने क्या किया, जब जरूरत थी एच पॉजिटिव को अपने पास लेने की, एच पॉजिटिव अपने पास ले लिए, कंज्यूम कर लिए, है ना, और जब जरूरत पड़ी एच पॉजिटिव की दोबारा, तो उसे रिलीज कर दिया। तो हीमोग्लोबिन ने भी यहाँ पे क्या किया, बफर की तरह वर्क किया, बिकॉज इसने भी एच पॉजिटिव के लेवल को मेंटेन करने का कोशिश किया, जब जरूरत थी रिलीज किया, जब जरूरत नहीं थी
अपने पास ले लिया। तो इस तरीके से ये तीनों बफर सिस्टम हमारे वर्क करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी में बफर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट सिस्टम था, बफर सिस्टम, जो कि जैसे ही आपकी बॉडी में एसिड बेस इंबैलेंस हो रहा होगा ना, विद इन फ्यू सेकेंड ये सिस्टम काम करना वर्क कर देंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो सिस्टम होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कोई सिस्टम हमारी सेल्स के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? हमारी सेल्स के बाहर वर्क कर रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वहीं पर ये सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए ये सिस्टम आपका विद इन सेकेंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब आप आगे आने वाले सिस्टम देखोगे वो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, यूरिनरी मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड यूरिनरी मैकेनिज्म। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ योर क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।